हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है, और ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि ये जो आइडिया, ये जो नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज की वीडियो में, वो डेफिनेटली आपके बहुत ज़्यादा काम पे आने वाला है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पाए, दोस्तों मेरे हाथ में ये कार्ड है जो कि है एक टीवी ट्यूनर का कार्ड है, और जिससे आप इनपुट कराते हैं एबी से। एबी तो इसमें कनेक्शन फिट नहीं है, अगर नया नया अभी जो बोर्ड आ रहा है उसमें एबी का कनेक्शन है। आरएफ यहाँ पे आ रहा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, जहाँ पे आपका एंटीना या तो डिश टीवी का केबल कनेक्शन यहाँ पे होता है, और इसके साथ आपका ये वीजीए आउटपुट निकलता है, और उसके साथ एस वीडियो का भी आउटपुट निकलता है। इसमें आपका मेन क्या है कि इसमें एक कार्ड आया था मेरे पास जो कि रिपेयर होने के लिए, जिसकी ये वाली मेन आईसी ख़राब हो चुकी थी, ठीक है। उसके ऊपर मैं एक डिटेल पूरी वीडियो बनाऊंगा, तो ये जस्ट आपके लिए हिंट है कि ये अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि इस टाइप का कार्ड मेरे पास आया है। यही कार्ड आया था रिपेयर होने के लिए, और इसमें ये वाली मेन आईसी का प्रॉब्लम था जो मैंने इसको निकाल दिया हूँ, और उसके साथ ही इसमें रिप्लेस हुआ है जो दूसरी वाली कार्ड की जो ख़राब थी। ख़राब तो नहीं थी, वही चल रहा था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम था, तो वो वाला कार्ड इसमें लगा है, आईसी निकाल कर लगा है। और डेफिनेटली खुशी की बात है कि ये कार्ड अभी चल रहा है, और ये मैंने बना दिया बहुत टाइम के बाद और दिक्कत के बाद ये बना है। तो इसके ऊपर में पूरी डिटेल वीडियो आएगा, तो इस वीडियो में मैं आपको साथ बात ज़्यादा नहीं करूँगा। मेन टॉपिक आते हैं कि आपकी जो मेन प्रॉब्लम होता है कि इस टाइप की जो कार्ड होती है इसमें आप ना ही एबी चला सकते हैं, ना ही एबी का इनपुट इसमें दे सकते हैं, ना ही इसे एबी से आप आउटपुट मॉनिटर के लिए ले सकते हैं। तो किस तरह से आप इस वाली जो कार्ड है, वीडियो की कार्ड है, इसमें आप एबी कनेक्शन कर सकते हैं, और उससे आप किस तरह से आउटपुट ले सकते हैं थ्रू मॉनिटर के थ्रू, तो वो आज की वीडियो की टॉपिक है। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में पूरी अच्छी तरह से बारीकी के बाद आपके साथ शेयर करूंगा और किस तरह से क्या करना है। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा मेथड है। अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन भी नहीं है तो आप किस तरह से इसको भी कनेक्शन कर सकते हैं, कहीं पर दुकान जाके आपको सॉकेट बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो फटाफट से चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेगा, डेफिनेटली दो या तीन ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा अगर ये वाला नहीं है तो। इसके साथ ये भी मिलता है, और उसके साथ आपको ये वाली जो सॉकेट है ये मिलता है आपको, ठीक है। और उसके बाद ये वीजीए आउटपुट के लिए ये पिन है, और ये एस वीडियो आउटपुट के लिए ये दोनों आपको कॉमन मिलेंगे। और अगर आपके पास नया वाला कार्ड है तो डेफिनेटली उसमें एबी का सॉकेट रहेगा, और पुराना वाला इस टाइप का कार्ड है तो आपको ये मिलेगा। उसके साथ ही ये वाली जो सॉकेट है ये आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो सॉकेट है ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग का जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका एबी किस तरह से ले, क्योंकि एबी सॉकेट के लिए आपका जो ऑडियो है, ऑडियो आप यहीं से दे सकते हैं, जो हरा वाला जो आपको सॉकेट दिख रहा है इसमें आप इनपुट दे सकते हैं। आप इसमें पिनों में भी सेनेट कनेक्शन कर दीजिए, या तो आपका 3.5 mm का जो सॉकेट जैक है, पिन है, उसको कनेक्ट कर दीजिए। ऑडियो का लफड़ा इसमें ख़त्म। मेन आता है वीडियो का, वीडियो के लिए आप किस तरह से एबी कनेक्शन करेंगे, तो उसके लिए आपको कौन कौन सा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों इस टाइप की केबल की। तो देख पाएंगे दोस्तों, ये है इस टाइप की सॉकेट में लगने वाली केबल, ये जो सॉकेट है इसमें लगने वाली केबल है, तो बड़ी आसानी से ये लग जाता है, और आपको दोनों तरफ से मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारे मिलेंगे, यहाँ से ये मेल टू मेल मिलेंगे, मेल टू फीमेल मिलेंगे, या तो इस टाइप की मेल से आपको ये भी ऑडियो आउटपुट के लिए भी मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इस वाली सॉकेट में हम ए बी का कनेक्शन इनपुट देंगे, ठीक है। वीडियो का इनपुट यहाँ पे देंगे, ऑडियो का इनपुट आप यहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका ऑडियो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हर बोर्ड में आपको इसमें ऑडियो नहीं मिलेगा, किस किस बोर्ड में आपको ऑडियो मिलेगा, किस किस बोर्ड में आपको ओनली वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा पिन क्या है, कैसे करना है, ठीक है। आपको इस टाइप की कुछ केबल की ज़रूरत पड़ेगी, इस टाइप की कुछ केबल की, तो इसकी लेंथ बहुत अच्छा खासा है। अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो कट करके कैसा करना है, क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा। अगर कट नहीं करना है तो कैसे करना है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा वाला पुराना वाला है, आप खरीदते हैं तो आप कोशिश कीजिए मेल टू आपका ए भी फीमेल वाला सॉकेट लेने के लिए, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपके ना ही जोड़ने की या सोल्डिंग करने की कोई भी झंझट रहेगा। अगर आपके पास इस वाला पुराना वाला है जिसमें आपको मेल टू मेल आपको देखने को मिल रहा है, या तो मेल टू फीमेल देखने को मिल रहा है, तो उस टाइम आपको क्या करना होगा, तो
उसके लिए आपके पास अगर पुराना वाला डीवीडी कार्ड है, ठीक है, पुराना वाला डीवीडी का कार्ड है, तो उसमें आपको इस टाइप की कुछ सॉकेट देखने को मिलती है, जहाँ पे ऊपर में वीडियो का रिले रहती है और नीचे में आपको इस वाली सॉकेट देखने को मिलती है। हर डीवीडी प्लेयर के कार्ड में आपको ये मिलेगा देखने के लिए। तो अगर आपके पास आउटडेटेड पीस है, अगर आपके पास पीस बचा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो आप उससे निकाल सकते हैं। अगर नहीं पड़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसमें इस तरह से बीच में आप कॉट लगा दीजिए, आपको जितनी बड़ी वायर चाहिए आपको कॉट लगा दीजिए। तो आपको कॉट लगाने से देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे 3 या 4 वायर आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर में, ठीक है। तो इसमें 4 पिन है, 4 पिन में 4 वायर देखने को मिलेगा, या तो 4 पिन है तो आपको 3 पिन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 पिन ऑलरेडी ग्राउंड है, ठीक है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने से आपको उसमें मिला के 1 निकालने होंगे, या तो अगर नहीं निकाले होंगे तो इसमें आपको 4 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले इसमें कनेक्शन देखना होगा कि इसमें आपका ग्राउंड कौन सा है, ठीक है, ग्राउंड पिन वाला कौन सा है आपको देखना होगा। तो उसके लिए आपको एक मल्टीमीटर से आप चेक कर दें, तो मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसकी बॉडी के साथ 2 पिन आपस में जुड़े रहेंगे, तो आपको क्या करना होगा, देखिए बीप कर रहे हैं। तो इसके जो बॉडी है ये आप कहीं से भी बॉडी ले सकते हैं, यहाँ से भी बॉडी ले सकते हैं, इस वाली यहाँ में बॉडी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ। यहाँ से लेने के बाद ये जो सॉकेट है इसके जो पिन है, 2 पिन आपको ग्राउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम चेक करेंगे बारी बारी करके, ये एक पिन है ग्राउंड है, ये पिन ग्राउंड है, और ये जो 2 पिन बचा हुआ है इसमें आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा, या तो बीपी साउंड नहीं आएगा। तो ये 2 पिन है, तो ये पिन किस पिन का है, ठीक है, वो भी आपको चेक करना है। तो इसके लिए आपको इस वाली जो कॉर्ड है, ठीक है, इस वाली जो कॉर्ड है इसको आपस में इसको लगाना है, ये मैंने लगा दिया, और उसके बाद आपको यहाँ से चेक करना होगा, ठीक है, यहाँ से आपको चेक करना होगा इसकी नेगेटिव वाला बॉडी के साथ नेगेटिव वाला पिन कौन सा है, ठीक है। अगर दिक्कत होता है तो आप इस तरह की एक सॉकेट ले सकते हैं, या तो कट करवा सकते हैं। तो कट करने से आपको इजी होगा चेक करने में। तो मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट करता हूँ, ये इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 4 पिन देखने को मिलेंगे। कट करने के बाद आपको इजी हो जाएगा कि कौन सा वायर क्या है, आप चेक करवा सकते हैं, यहीं से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर नहीं कट करना चाहते हैं तो इस टाइप से आप ग्राउंड में रखिए पिन, और इसमें आप चेक करते रहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये देखिए दोस्तों, ये जो है नीचे वाला, ये ग्राउंड का पिन है, ठीक है, ये वाला सॉकेट का, ये वाला ग्राउंड का पिन है। और उसके बाद कौन सा पिन कौन सा है, ये देखिए, यहाँ पे एक पिन बचा हुआ है, यहाँ पे 2 पिन बचा है, आप देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 पिन है। तो 4 पिन में 1 पिन को यहाँ पे कनेक्ट किया, तो यहाँ पे चेक करूँगा, तो ये देखिए दोस्तों, ये पिन इसका है, और उसके बाद ये जो पिन है ये इसका, ये पिन है। तो आपका वीडियो का पिन कौन सा है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो का पिन आपको कौन सा रहेगा। आप हमेशा याद रखिए कि आपका राइट हैंड साइड का, आपका दाहिना हाथ का, ठीक है, दाहिना हाथ का राइट हैंड साइड में आपका जो 2 पिन देखने को मिलेगा, उसका सबसे ऊपर वाला पिन ही आपका वीडियो का पिन है, ठीक है। इसमें आपको वीडियो का इनपुट देना है, ये वाला पिन हमेशा वीडियो का रहेगा, ठीक है। आपका राइट हैंड साइड में, आपकी राइट हैंड साइड में, आपको ये राइट हैंड साइड का दिख रहा है, याद रखिए राइट हैंड साइड का 2 नंबर पिन का सबसे ऊपर वाला पिन आपका वीडियो का है, उसका बगल वाला उसका ऑडियो का रहता है, किस किस में ऑडियो का नहीं है, इस वाली कार्ड में ये ऑडियो का पिन नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे आप इसको एक अच्छा सा ये करने के लिए आप इसमें छोटी सी पीएफ लगा सकते हैं। तो पीएफ का वैल्यू आप कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है, 104 लगा सकते हैं, 22 लगा सकते हैं, 47 लगा सकते हैं, 68 जो भी मिले, एक सेरामिक कैपेसिटर लगा सकते हैं, ठीक है, और या तो पीएफ लगा सकते हैं, कोई सा भी आपको लगा सकते हैं, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। तो हमेशा याद रखिए ये जो पिन है ऊपर वाला, उसका आपका वीडियो का पिन है। तो आपको पिन मिल गया, ये वाला पिन आपका वीडियो का पिन है, ठीक है, मैं आपको नज़दीक लेके दिखाता हूँ। आपकी ये वाली जो पिन है ये आपकी वीडियो के पिन है, ठीक है, इसमें आपको वीडियो इनपुट देनी है, ग्राउंड आप यहीं से भी उठा सकते हैं या अलग कहीं से भी उठा सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक छोटी सी पीएफ है जो कि इस पर सोल्डिंग करनी है, और तार इसमें डायरेक्ट सोल्डिंग करनी है। अगर आप इसमें तरफ का केबल लगाते हैं तो आप डायरेक्ट इसमें ऐसे केबल लगा दीजिए, पीसीबी का नीचे एक छोटी सी पीएफ लगा दीजिए, सोल्डिंग कर दीजिए। अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जो लास्ट वाली एंड है उसमें आप अगर इस टाइप की कुछ सॉकेट लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें आप इस जैसे ऐसा तरह से सोल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कॉट कर देंगे इस वाले केबल को, अगर कट करके यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पीछे में एक छोटी सी पीएफ लगाने, वो लगाने से क्या होगा, आपकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी
लाइट हो जाएगी, ठीक है। बस उतना सा वो फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है, उसको लगाने से क्या होता है और उसको नहीं लगाने से क्या होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम चलते हैं, तो देखते हैं कि किस तरह से इसकी आउटपुट है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सेटअप बना दिया हूँ, आप देख पाए दोस्तों दोनों सेटअप यहाँ पर लगा हुआ है, RF का भी लगा हुआ है और आपकी जो ए भी है, जो आपकी एस वीडियो की है वो कनेक्शन है, वो वाली केबल जो मैंने आपको बताया था, ये वाले सॉकेट मैंने यूज़ किया हूँ और इसमें मैंने मॉडिफिकेशन किया है। ये DVD की एक छोटी सी है और यहाँ पे मेरे को बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि एक छोटी सी PF क्या चीज़ का काम करता है और इसकी वीडियो की आउटपुट किस तरह से है। तो ये थोड़ी सी लूज रह रहा है, तो ये देख पाएँ दोस्तों वीडियो की क्वालिटी किस तरह से है। मैं AV का कनेक्शन किया हूँ, आप देखिए दोस्तों ये AV ऑडियो है, यहाँ पे आपको ऑडियो आउटपुट होने के नहीं मिल रहा होगा क्योंकि यहाँ पे इस वाली जो सॉकेट है तो इसमें आपको ऑडियो के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बोर्ड में ऑडियो के लिए है। जो ये वाली हरा वाला आपको दिख रहा है इसमें आप 3.5 mm का सॉकेट लगाएंगे तो इसमें आपको ऑडियो इनपुट होगा। तो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, तो इसके लिए मेरे को ये चीज़ हटाना पड़ेगा थोड़ी सी, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये कार्ड को ये वाली जो हमारा आया था RF सिग्नल जो, इसको मैंने हटा दिया हूँ। अब देखिए दोस्तों इसमें हरा वाला जो है, हरा वाला का पिन में आपको लेफ्ट राइट आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसमें लगा देंगे तो आपकी ऑडियो आउटपुट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हरे वाले में किसी पिन ग्राउंड को छोड़ के आप किसी में लगाएंगे, लेफ्ट राइट के लिए रहता है, तो आप इसमें ऑडियो लेफ्ट राइट के लिए रेड एंड वाइट कलर का सॉकेट लगा सकते हैं, फिट करवा सकते हैं। और वीडियो के लिए आपको मैंने बताया, जैसे इसमें आपकी जो राइट साइड वाली जो दो पिन आपको मिलेगी उसकी ऊपर वाली पिन आपकी सबसे पहले ही वीडियो की है, और उसके सीधी लाइन में जो है फ्रंट में जो है और उसी लाइन में लेफ्ट साइड पे ऊपर वाला में जो है, तो उसमें एक छोटी सी PF लगाना पड़ेगा। तो उसके जो फ़र्क आप देखें दोस्तों, थोड़ी सी लाइट इसमें ब्राइटनेस बढ़ेगी, आप जितनी PF लगा लें उसमें थोड़ी सी लाइट बढ़ेगी और कुछ फ़र्क नहीं आएगा। तो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, तो इसके लिए इस वाली सॉकेट में मैं करूँगा। तो जैसे कि आप देख पाएँ दोस्तों एक पिन इसमें खाली है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो एक पिन इसमें खाली है, तो यहाँ से ये वीडियो जो इनपुट हो रही है उसमें एक छोटी सी PF लगाएंगे और उसके बाद आपको देखेंगे इसकी पिक्चर की क्वालिटी। तो अब आप देख पाएँ दोस्तों किस तरह से ये पिक्चर आउटपुट हो रही है, ठीक है। अब वो PF थोड़े से लगाने के बाद आपको किस तरह से लाइट में फ़र्क आता है, आप जस्ट देखते रहिएगा। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, इसके नंबर में आपको दिखा दूँगा, ये है 104, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 104। तो इसको मैं लगाऊँगा, एक है वीडियो इनपुट के लाइन पे और उसके ठीक सामने वाले पिन में, कुछ इस तरह से मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, इस तरह से मेरे को लगाना है। ये आप देख पाएंगे, ये है वीडियो की लाइन और ऊपर वाले ग्राउंड है, दो पिन ग्राउंड है, और मैं यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन करूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन करूँगा। आप फर्क आप स्क्रीन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, आप देखते रहिए स्क्रीन में, मैं आपको बोलूँगा कि मैंने इसको लगा दिया हूँ, तब इसकी क्वालिटी आप देखिएगा। तो दोस्तों मैंने इसको अभी लगा दिया, ये देखिए दोस्तों इसकी क्वालिटी, और ये देखिए अब कैमरा में ठीक से आ नहीं रहा है लेकिन एक्चुअल में ये काम करता है, तो प्रॉपर तरह से आपको दिखाई नहीं दिया होगा। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ी सी अंधेरा जैसा दिख रहा है और ये आपकी लाइट, बस इतनी ही फ़र्क है और कुछ नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो इस तरह से वीडियो ले सकते हैं, अगर ऑडियो के लिए आप यहाँ पे देखेंगे हरी वाली है, तो इसमें आप लेफ्ट राइट है, तो यहाँ से ऑडियो उठा सकते हैं आपका लेफ्ट राइट के लिए और वीडियो के लिए ये यहाँ पर। तो ये वाली प्रॉब्लम का सलूशन भी मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया हूँ, तो आप इस तरह से घर पे कर कीजिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वीडियो के लिए भी सोल्डिंग करके निकाल सकते हैं, और आप ये PF लगाना चाहें या नहीं लगाना चाहते आप आपके ऊपर में डिपेंड है। ये लगाएंगे तो थोड़ी सी लाइटनेस आपकी बढ़ जाएगी, अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो और भी कुछ नहीं है इस वाली कार्ड में। तो आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कुछ सुझाव है, कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, कमेंट कीजिए। मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना है तो इंस्टाग्राम ID है मेरे पास, आपका सिबुक रेशन नाम पे है, तो इंस्टाग्राम ID से आप मेरे साथ मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर इंस्टा भी कुछ पार्ट्स आपको रिपेयर करने के लिए भेजना है तो आप मेरे को भेज सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।